नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जिसका नाम है बेडमी पूरी एंड आलू की सब्जी। बहुत ही मज़ेदार डिश है और जब भी खाते हैं मज़ा आ जाता है। मैं वहीं से इंस्पायर होकर आज बना रही हूँ बेडमी पराठे एंड आलू की सब्जी, क्योंकि पूरी ना थोड़ी सी हाई ऑन कैलोरीज हो जाती है, तो मैंने पूरी को हटा के वही स्वाद पराठे में भर दिया है। पर ट्रस्ट मी, उतना ही मज़ेदार बनेगा और उतना ही टेस्टी। सबसे पहले बेडमी पराठे के लिए हम स्टफिंग बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये उड़द की दाल ली हुई है और ये कच्ची वाली उड़द की दाल है और इसको मैंने अच्छे से नैपकिन से, हल्के से गीले नैपकिन से पोंछ लिया है। आप चाहो तो धो के भी सुखा सकते हो। हमें थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर चाहिए। एक्चुअली ये जो मैं आज बना रही हूँ बेडमी पराठा, उसमें मैं ये स्टफिंग कर रही हूँ, पर कोई कोई जगह पे तो दाल को अच्छे से भिगा के उसको पीस के फिर आटे में ही मल देते हैं। आप वैसे भी पराठा बना सकते हैं। ये जो स्टफिंग हम बना रहे हैं ना, बेसिकली ये इसको पिट्ठी कहते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हल्की सी दरदरी सी कूटी हुई सौंफ, ये मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। सौंफ इसमें मस्ट है, बहुत अच्छी खुशबू देती है। और हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग। अब ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया जीरे का पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे। अब ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब ये सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के हम एक गाढ़ी सी पेस्ट जैसा बना देते हैं ताकि हम स्टफ कर सके पराठे में। अब पानी डालने से पहले हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। अब ऐड कर देते हैं पानी, पहले 3 चम्मच ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी गया है और हमें बिल्कुल ऐसे स्टफिंग बनाना है। चलिए अब ये स्टफिंग तो बन चुका है, बिल्कुल ऐसे ड्राई ड्राई सा स्टफिंग होना चाहिए तभी हम भर पाएंगे पराठे के अंदर। अब हम आटा लगाते हैं। इनफैक्ट यही वाला स्टफिंग और यही वाले आटे से आप पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। मैं आज पराठा बना रही हूँ पर पूड़ी बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस ही करनी होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, जो नॉर्मल चपाती हम बनाते हैं ना वही वाला आटा लिया है। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सूजी। ये सूजी ऐड करने से ना पराठे में बहुत अच्छा खस्तापन आएगा, जैसे कि पूरी में कैसे खस्तापन आता है डीप फ्राई होने के बाद, बस वैसे ही खस्तापन पराठे में भी आएगा। अब हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। ये आटा जो लगता है ना वो भी काफ़ी फ्लेवरफुल लगता है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल, आप इसकी जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ये हम लेते हैं और ऐसे हाथों से मसलते हुए ऐड कर देते हैं। इतनी अच्छी खुशबू देगी ना कसूरी मेथी पराठे को। और ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून अजवाइन, वो भी ऐसे हाथों में मसल के डाल देते हैं। अब पानी डालते हुए हम थोड़ा सा कड़क आटा लगा देते हैं। ऐसी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज होती है ना, जैसे कि आज बन रही है बेडमी पूरी या आलू की सब्जी, ये हर घर की एक अलग रेसिपी होती है। तो ये जो रेसिपी पूरी की है वो मैंने ट्विस्ट करके पराठा बना दिया है, तो ये मेरे घर की रेसिपी बन गई है। ये आटा तो बन चुका है, थोड़ा सा तेल लगा के ये आटा को मैं छोड़ दूंगी, तब तक हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। आलू की सब्जी के लिए पहले पैन में मैं 2 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। तेल में ऐड कर देते हैं जीरा। ये वाली जो आलू की सब्जी बनती है ना, इसमें प्याज लहसुन नहीं होता है। ऐड करेंगे हींग। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 3 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है जिसको कद्दूकस कर लिया है, और 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हुए हैं। अब ऐड कर देते हैं नमक ताकि टमाटर फटाफट पक जाए। और यही टाइम पे मैं ऐड कर देती हूँ कुछ सूखे मसाले। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये कलर के लिए है, और थोड़ा सा गरम मसाला है। अब
ढक्कन लगा के टमाटर को 5 से 7 मिनट पकने देते हैं। ये टमाटर तो सॉफ्ट हो गए हैं, बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये उबले हुए आलू है। 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसको हाथों की मदद से ही ऐसे तोड़ दिया है, रफली चॉप्ड है। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी, क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी होती है वो तरी वाली होती है, सूखी नहीं होती है। अब खटास के लिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून आमचूर। आप अनारदाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मिक्स करके हम पकने देंगे, अच्छे से उबलने देंगे। एक बार सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से उबल गई है। अब ये सब्ज़ी तो बनके रेडी है। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ये फ्रेश धनिया। और अब बनाते हैं पराठे। अब ये देखिए, ये जो स्टफिंग है, पिट्ठी बोलते हैं वो, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो आप हल्का सा पानी का छींटा मार के इसको ऐसे सॉफ्ट वाली कंसिस्टेंसी पे लेके आ सकते हैं। अब ये आटे में से मैं पेड़ा काट लेती हूँ। हम बहुत बड़े बड़े पराठे नहीं बनाएंगे, तो चपाती की साइज़ के पेड़े काटेंगे। अब मैं ये चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ ताकि चिपके नहीं। और अब हम ये पराठा बेल लेते हैं। एक्चुअली आप चाहो ना तो ये पराठे के आटे में भी मसाले ऐड कर सकते हो, पर स्टफिंग इतना फ्लेवरफुल है कि मैंने मसाले ऐड नहीं किए हैं। ये स्टफिंग थोड़ा सा आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा, वरना आप पराठा बेल नहीं पाएंगे। और बहुत सारा स्टफिंग नहीं डालिएगा, जैसे आलू के पराठे में भरते हैं वैसा नहीं करिएगा। बस छोटी चम्मच स्टफिंग काफ़ी रहेगा। और अब हम पराठे को बंद कर देते हैं। और अब पराठा बेल लेते हैं। अब ये पराठे को हम सेक लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, 1/2 टीस्पून। एक्चुअली घी में भी ये पराठा बन सकता है। ये पराठा तो बन गया है, इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही दूसरे पराठे में बना लेती हूँ। और ये पराठा आप देखेंगे ना तो नॉर्मल पराठे की तरह एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने सूजी ऐड की है ना, इसलिए ये एकदम ही खस्ता और करारा बनेगा, जैसे कि पूरी होती है ना वैसे ही। बेडमी पराठा एंड आलू की सब्जी दोनों ही तैयार है, फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। मैं ये पराठे ले लेती हूँ। अब ये ले लेते हैं सब्जी। तो लीजिए, तैयार है बेडमी पराठा एंड आलू की सब्जी, स्ट्रेट नॉर्थ की स्ट्रीट से आपके घर में, जिसको मैंने थोड़ा सा हेल्दी बना दिया है। बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल है, अमेजिंग है, हल्का सा तीखा एंड खट्टा भी, मजा आ गया खाके। ब्रेकफास्ट स्पेशल है ये।